हाँ जी, तो चैंपियंस कैसे हो आप सब? बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे भी मैं सफलता पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा अंदर से फीलिंग आता है मुझे कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। नॉट अ सिंगल निगेटिव कमेंट, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 500 कमेंट्स आते हैं तो एक भी उसमें निगेटिव कमेंट नहीं आता है, एक भी। तो इतना सारा मैंने रिस्पेक्ट कमाया है यूट्यूब पे, और बाकी आगे भी ये जर्नी ऐसे ही बनी रहे, आप लोग मुझे ऐसे ही रिस्पेक्ट देते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो आज RRB PU प्रीलिम्स का पेपर था, काफ़ी लोग आज मुझे पता है निराश होंगे, रो रहे होंगे। अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो काफ़ी लोग बैठ के रो रहे होंगे, आई नो। तो आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो के द्वारा एक स्टोरी बताऊंगी। ऐसे मैंने ये न्यूज़ चैनल में देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और वो भी ट्रक पे बैठ के जाती थी, और मैं भी कई बार, मतलब ऐसे जो भाड़े वाली गाड़ी होती है ना, सब्जी वब्जी वाली, उस पे भी मैं भी बैठ के गई हूँ। 3 बजे सुबह, 4 बजे सुबह में उठ के एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होता था, तो ऐसे ऑटो मिलता नहीं था मेरे यहाँ से। तो लेकिन ये माल ढोने वाली जो गाड़ी होती थी, तो वो गाड़ियाँ जाती थी, तो मैं कई बार उस पे बैठ के गई हूँ अपना सेफ्टी। तो मुझे उनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा आजकल वो चर्चे में है, और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। तो उनका नाम है मीरा बाई चानू, मणिपुर की रहने वाली है, और पता है वेट लिफ्टर है वो, और इस बार उन्होंने मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता उन्होंने। लेकिन उस मेडल को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, आप लोगों में से बहुत कम लोग शायद जानते हो, या फिर मतलब ज़्यादा लोग भी जानते हो तो। लेकिन मैं अपने माध्यम से उनकी स्टोरी आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी, और होप इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले। तो मीराबाई चानू ने 2016 के रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, और ऐसा नहीं है कि वो इस बार ही मेहनत की, मतलब इस बार के ओलंपिक में 2016 में भी उन्होंने उतनी ही मेहनत की होगी, है ना। लेकिन जब उन्होंने, जब वो स्टेज पे गई, उन्हें 6 लिफ्ट्स करने थे, 6 लिफ्ट्स मतलब 6 बार ऐसे उठाना था जो वेट होता है। उन जैसे ही वो स्टेज पे गई, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 6 लिफ्ट्स में से मात्र उन्होंने एक कंप्लीट किया, मात्र एक, और पूरा, मतलब उनका पूरा जो गेम था ना, पूरा गेम खराब हो गया। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि जब मैं उठा रही थी वेट, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि पूरा अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा मैं निगेटिव हो गई थी उस वक्त, है ना, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग वो उस टाइम वो करने लगी। इसके बाद जब उन्होंने अपनी मम्मी को कॉल किया, बहुत ढेर सारा वो रोई, डिप्रेशन में चली गई, बहुत दिन तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अब सोचो कि एक लड़की गांव से निकल के एक बहुत बड़े स्टेज पे जाती है, उसकी हालत क्या रही होगी, है ना। वही एक रीज़न होगा मुझे लगता है जिसके कारण उनके उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा। तो हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे बीच बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने 10-15 लोग हमें क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं ना। लेकिन सोचो कि उनको पूरा इंडिया देख रहा है, और रियो ओलंपिक के बाद उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उनको इतना ज़्यादा निगेटिव बोला गया, उनके कोच विजय सर को इतना ज़्यादा निगेटिव बोला गया, हद से ज़्यादा। तो उसके बाद वो डिप्रेशन में आ गई, फिर उन्होंने ऐसा मतलब मन बना लिया कि मुझे अब करना ही नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। लेकिन फिर उनको, देखो लाइफ में क्या होता है ना,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपका साथ भी देंगे। तो उनमें उनकी मम्मी और उनका कोच, दो लोग, और उनके पापा, दो तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें फिर से दोबारा मोटिवेट किया, बोला कि चलो जो हो गया सो हो गया, अपना पास्ट भूल जाओ, जो तुम फेल हो गई उसको भूल जाओ, है ना। हालांकि उनके लिए भूलना इतना इजी नहीं था। सोचो कितना ज़्यादा वो मेहनत करके ओलंपिक तक पहुंची और पहुंच के अपना परफॉर्मेंस ख़राब कर लिया। कई बार होता है ना, हम भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो हम नाकामयाब हो जाते हैं ना। बहुत बार होता है कि लगता है कि इस बार तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ भी होता है। सोच लो कि मीराबाई चानू जैसी महान खिलाड़ी के साथ भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद वो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया, उन्होंने डॉक्टर की भी सहायता ली। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेहनत फिर से स्टार्ट की। 2016 में जो वो हारी, हारने के बाद 2021 में, सोचो 17, 18, 19, 20, 21, है ना, 5 साल, 5 साल, 5 ईयर के बाद वो फिर से दोबारा वापस आई ओलंपिक में। और इस बार उन्होंने जो भी, मुझे लगता है कि अपनी निगेटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, उनके कोच ने, उनके फैमिली ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेंटल जो स्ट्रांग एक होती है ना बनाने वाली बात, कि मेंटली इसको स्ट्रांग बनाया जाए। मेहनत तो वो कर ही नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटल रूप से उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो यहाँ से उठ के जो यहाँ पे जाता है ना, उसके लिए यहाँ पे जाके, और वो जो होता है ना वो प्रेशर, वो हैंडल नहीं हो पाया। ठीक, तो उन्होंने खुद को फिर से प्रिपेयर किया। और इस बार सोचो कि 5 साल बाद, है ना, आके उन्होंने मेडल जीता, सिल्वर मेडल। और ऐसा करने वाली वो इंडिया की पहली वेट लिफ्टर बनी। कितनी बड़ी बात कि एक इंसान जो एक टाइम पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया है ना, वो दूसरे टाइम पे एक ऐसा एंट्री करता है कि जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, आज वही लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए ढोल बाजे बजाए जा रहे हैं। क्यों इनकी जीत इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने हार नहीं माना। कई बार वो मुश्किलों से गुजरी, छोड़ने का सोचा, गिव अप मारने का सोचा, क्योंकि 5 साल एक बहुत ही लंबा जर्नी होता है, 5 साल। ठीक है, 5 साल में डिफरेंट टाइप्स के थिंकिंग आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है ना, तो उनके अंदर भी, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है और आना तो वाजिब है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। फाइनली वो इंडिया के लिए मेडल जीत के लाए। तो इस स्टोरी से बताने का मकसद मेरा बस यही है कि कई बार हमारे अनुरूप जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है ना, उसका अपोजिट हो जाता है। तो उस समय आपको हार नहीं मानना है। ये मत सोचना कि मैं इतना करके गया, मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। जब आपका वक्त आएगा ना, जब आपका वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि जो भी आपका बुरा वक्त था वो बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो अपना वक्त का वेट करो, अपने वक्त का वेट करो। अगर वेट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आओगे। तो अगर कभी फेलियर मिले ना, तो सोचो कि अभी मेरा वक्त नहीं है, अभी मेरा टाइम नहीं आया है, अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो हार मत मानना। मैंने भी सेम अपनी लाइफ में यही अप्लाई किया। 8 साल में, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बताती हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत सारा चीज़, और मीराबाई चानू जी जब अपनी स्टोरी बता रही थी, बार बार उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। ऐसे आंसू उन्हीं को बार बार आ सकते हैं जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो। तो वही है, हार मत मानना। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको देख के हम मोटिवेट हो सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल बन सकते हैं कि
कि यस मैंने बहुत सालों की मेहनत के बाद नौकरी हासिल की, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो एक एग्जांपल सेट करो, 6 महीने वाले, 1 साल वाले, तो अब मैं उनका कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ ऐसा एग्जांपल सेट करो। मैं नहीं बोलती हूँ कि बहुत लेट से करो या कुछ भी, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा भी लेट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एग्जांपल बनने वाले हैं। आप अगर गांव से हो, अगर आपका जॉब हो जाता है या फिर आप सक्सेस हो जाते हो ना, तो गांव वाले एग्जाम्पल देंगे, देखो ये लड़का ये लड़की काफ़ी सालों के मेहनत के बाद सक्सेस हुआ है। तो बच्चों के लिए आप एग्जाम्पल बनोगे, गांव वालों के लिए एग्जाम्पल बनोगे, अपने पंचायत के लिए एग्जाम्पल बनोगे। तो एग्जाम्पल बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट से होगा लेकिन होगा जरूर। ओके, और कुछ भी कमेंट हो तो बता देना नीचे, मैं रिप्लाई करूँगा।